बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में आज से स्वच्छता अभियान का होगा आगाज और मिशन मोड में चलेगा स्वच्छता अभियान। सभी 75 जिलों में 3 दिन तक यह अभियान चलेगा और 75 घंटे 750 निकाय। अभियान के तहत यह कार्यक्रम 750 निकायों में इकट्ठे कूड़े को हटाया जाएगा, सौंदर्यीकरण और सेल्फी पॉइंट्स में होगा विकसित। तो आज से स्वच्छता अभियान का फिर से आगाज होने जा रहा है। शहरों को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए कवायद की जा रही है। सभी 75 जिलों में 3 दिनों तक यह अभियान चलेगा और लोगों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। 3 दिन तक स्वच्छता अभियान चलेगा। सभी 75 जिलों में 750 निकायों में 75 घंटे तक इस अभियान का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ का हुसैनगंज इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस अभियान के जरिए आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो प्लेस आप देख पा रहे हैं, नेकी की दीवार यहां पर बनाई गई है और कभी यहां पर कूड़ा लोग डालकर जाया करते थे, अब इसकी साफ सफाई करके यहाँ पर सीमेंट की पूरी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्श बनाई गई है। उसके बाद ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नेकी की दीवार भी यहाँ पर बनाई गई है। खुद नगर विकास मंत्री यहाँ पर पहुँचे, नगर आयुक्त मेयर भी यहाँ मौजूद रही, लोगों को जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर संदेश जो लिखा हुआ है, अपने शहर को स्वच्छ एवं हरा भरा रखें, इस निर्देश के साथ इसका आयोजन यहां पर शुरुआत की गई है। सभी नगर आयुक्तों को ये निर्देश दिया गया है कि अपने शहर को साफ रखें। और ये देखिए एक खास चीज यहां पर ये है कि ये जो दीवार है ये यहां पर बनाई है, उसके बगल में आप देखिए ये यहां पर कपड़ा लिखा हुआ है, ये गर्म कपड़े लिखे हुए हैं, ये यहां पर किताबें हैं, बर्तन है, जूता चप्पल है। जो भी लोग स्वेच्छा से अपना दान देना चाहते हैं गरीबों को, वो यहाँ पर लाके रख सकते हैं और गरीब व्यक्ति जो चाहेगा, जिसको जिस चीज की जरूरत होगी वो यहाँ से लेकर जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और ग्रीनरी यहाँ पर जो है करी गई है कि लोग इससे जागरूक हो। देख सकते हैं यहाँ पर गमले लगाए गए हैं, नगर निगम के जरिए साफ सफाई का काम पूरे शहर में किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाने का जो है वो काम किया गया है। स्वच्छता के सेल्फी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो लोग यहाँ पर आके सेल्फी लेंगे और मोटिवेट होंगे कहीं ना कहीं कि किस तरीके से प्रदेश भर में 3 दिन तक जो स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी है, इसलिए 750 सभी निकायों में स्वच्छता अभियान की आज से शुरुआत की गई है और 75 घंटे तक लगातार ये अभियान चलता रहेगा। कैसन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो मिशन मोड में ये चलेगा स्वच्छता अभियान और सभी 75 जिलों में आज से इस अभियान का आगाज होगा। 75 घंटे 750 निकाय अभियान के तहत ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। 750 निकायों में इकट्ठे कूड़े को हटाया जाएगा और जनता को भी जागरूक करने की कोशिश रहेगी। गली मोहल्लों में, सड़कों पे जब हम निकलते हैं तो हमारे रोज के दृश्य में वो होती है। ऐसी जगहों को चिन्हित करके, जैसे लखनऊ में ही ऐसी 740 जैसी जगहें थी, उन्हें चिन्हित किया गया था और 7 महीने में 110 बची हैं, बाकी साफ हो गई। उन 110 को भी, या ऐसे सभी नगरों में जो ऐसे स्थान बचे हुए थे उनको चिन्हित करके आने वाले 75 घंटों में सभी 75 जिलों में हमने एक महाअभियान चलाया है कि ऐसे जो वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट थे उनको हमें दूर करना है, उनको स्वच्छ करना है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं। मयूर, स्वच्छता अभियान का आज से फिर 3 दिवसीय आगाज होने जा रहा है और कोशिश यही है कि जनता को इसके प्रति जागरूक किया जा सके, क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार ले रही है इस काम को। नहीं बिल्कुल, देखिए आगाज तो ये हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का निर्देश दिया कि प्रदेश को स्वच्छ रखा जाए। 750 जो निकाय हैं पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी है, ऐसे में उनको भी साफ रखा जाए। लेकिन लखनऊ का जो हुसैनगंज इलाका है जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेयर, नगर आयुक्त और मंत्री AK शर्मा पहुंचे हुए थे, लेकिन ये जो तस्वीर है बिल्कुल ही अलग है। अगर आप यहाँ पर कल आते तो ये पूरा इलाका आपको कूड़े से भरा हुआ यहाँ पर दिखता। और अब देखिए आप, सीमेंट की फर्श यहाँ पे बना दी गई है, नेकी की दीवार यहाँ पे बनाई गई कि नेकी करिए, जो आपके पास अधिक है यहाँ छोड़ जाएं, जो आपकी जरूरत का है यहाँ से ले जाएं। और ये देखिए इधर, ये जूता चप्पल का स्टॉल बनाया गया है, ये बर्तन का है, ये यहाँ पर किताबें हैं, गर्म कपड़े हैं, ये यहाँ पर कपड़े आप देख सकते हैं। और ये पूरी दीवार बनाई गई, सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है और ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए ये गमले नगर निगम ने यहाँ पे लगाने काम किया। जो लोग आ रहे हैं आप देख सकते हैं हाथों में किताबें लिए हुए हैं, कपड़े हैं, जिनको जरूरत होगा वो यहाँ पर लेकर जाएंगे। आप भाई साहब कहाँ से आए?
मैं नगर निगम की कार्यदायी संस्था है इको ग्रीन। अच्छा, इको ग्रीन से, तो ये क्या है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है पूरी रख रखाव? जी सर, हमारी जिम्मेदारी तो पूरे शहर की साफ सफाई को व्यवस्था दुरुस्त रखने की है, और हमारा पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी इस तरह के जो खुले पड़ाव घर हैं, अभी जैसे नगर निगम के सहयोग से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से हम इन सब चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, खुला ऐसे रखा रहेगा, चोरी होने का भी डर रहेगा, सिक्योरिटी होगी क्या इसकी? जैसा कि आप बता रहे कि खुला है और इसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये नेकी की दीवार है और कहीं ना कहीं ये आम जनमानस, आम सिटीजन की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो जरूरत का सामान दे जाएं और जरूरत का सामान ले जाएं। देखिए, ये जो मैसेज ऊपर लिखा हुआ है, अपने शहर को स्वच्छ एवं हरा भरा रखें, इसी मैसेज के साथ लखनऊ को तो स्वच्छ रखना है, लेकिन प्रदेश भर में जो 75 घंटे तक लगातार, यानी कि 3 दिनों तक जो ये अभियान चलने जा रहा है, उसकी शुरुआत आज राजधानी लखनऊ से हुई है। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी ने यहाँ पर कूड़ा दोबारा डाला तो 5,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं डर भी लोगों में होना चाहिए कि ये इसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेकी की दीवार है, तो चोरी किसी तरीके से ना हो, तो यहाँ पर कर्मचारी भी लगाए गए हैं, इसकी देखरेख की जाएगी, और इस तरीके के तमाम जगहों पर, शहर पर अलग अलग इलाकों में इस तरीके की जो व्यवस्था की गई कि कूड़ा लोग एक जगह लेकर डालें और उसका निस्तारण वहीं से कर दिया जाए, और जो प्लास्टिक या और भी ऐसी चीज़ें हैं जो गार्बेज है, जो नष्ट नहीं होता, उसकी अलग से व्यवस्था की गई। जो जितने भी नगर आयुक्त है प्रदेश भर में, सभी को निर्देश दिया गया कि अपने अपने शहर को स्वच्छ रखें। 3 दिन का यह अभियान है, कहीं ना कहीं लोगों में अपने अपने शहरों को साफ और स्वच्छ रखें। और इसी कड़ी में आज से स्वच्छता अभियान का फिर से आगाज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।